खामियां भला किस में नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी पावर बना लेते हैं और फिर हर जगह रानी या राजा बनकर राज करते हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री की जिसके डेब्यू पर लोगों ने कहा कि इसकी हाइट कम है, वजन थोड़ा ज्यादा है और तो उनकी मोटी आवाज को मर्दाना तक करार दिया। लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर इस हीरोइन ने ना सिर्फ लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया बल्कि आज भी लोगों के दिलों में रानी की तरह बसती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खंडाला गर्ल के नाम से मशहूर, जिन्हें मर्दानी भी कह सकते हैं, और वो हैं सबकी चहेती रानी मुखर्जी। हिंदी सिनेमा की प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च साल 1978 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। फिल्मी दुनिया से इनका नाता इन्हें विरासत में नहीं मिला। रानी के पिता राम मुखर्जी एक फिल्म डायरेक्टर थे और माँ कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर। इनके भाई राजा मुखर्जी भी फिल्म एंड इंडस्ट्री में जुड़े हुए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। इनके अलावा मशहूर डायरेक्टर अयान मुखर्जी और अभिनेत्री काजोल भी रानी के चचेरे भाई बहन हैं। रानी की शुरुआती पढ़ाई मानक अजय कपूर हाई स्कूल जुहू मुंबई से हुई। इसके बाद उन्होंने SNDT महिला कॉलेज में होम साइंस में ग्रेजुएशन भी पूरी की। रानी के परिवार के ज्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। ऐसे भी रानी चाहते हुए भी फिल्म दुनिया को छोड़ नहीं पाई। माँ के कहने पर उन्होंने रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली और पिता के फिल्म बेयरफुल से साल 1996 में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में यही हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात से नाम से भी बनाई गई और इसमें रानी ही मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म खास तो नहीं चली लेकिन रानी के काम को काफी पसंद किया गया। इसके बाद साल 1998 में रानी मुखर्जी ने अभिनेता आमिर खान के साथ विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम और शाहरुख खान के साथ करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है की। गुलाम के बाद रानी को जहां खंडाला गर्ल का नाम दिया गया तो वहीं कुछ कुछ होता है भी साल की सबसे बड़ी हिट रही। इस फिल्म ने उन्हें पहली बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। इसके बाद रानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हस्की आवाज कहे जाने के बावजूद उन्हें लगातार काम मिलता गया। साल 2000 के दौरान रानी की कई फिल्में आई जिनमें बादल, बिच्छू, हे राम, हर दिल जो प्यार करेगा, कहीं प्यार ना हो जाए जैसी फिल्में शामिल हैं। इनमें से उनकी फिल्म हे राम को साल भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया। साल 2001 में रानी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, बस इतना सा ख्वाब है, नायक, द रियल हीरो जैसी फिल्मों में दिखाई दी। ये सभी फिल्में औसत या सेमी हिट रही। इस समय में रानी मुखर्जी को जरूरत थी किसी हिट फिल्म की। साल 2002 आया और इस साल रानी मुखर्जी को निर्देशक शाद अली के साथ फिल्म साथिया में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और इसी के साथ रानी का करियर एक बार फिर से उड़ान भरने लगा। साथिया के लिए रानी को साल का बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। साल 2003 में ही रानी मुखर्जी ने अभिनेता शाहरुख खान के साथ फिल्म चलते चलते की जो कि एक हिट फिल्म रही। इसके बाद आया साल 2004 और यहीं से रानी के फिल्मी करियर का ग्राफ एकदम आसमान तक जा पहुंचा। इस साल रानी ने मणिरत्नम की युवा, यश चोपड़ा की फिल्म वीरजारा और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म हम तुम में अहम किरदार निभाए। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। रानी मुखर्जी की फिल्म हम तुम के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस और फिल्म युवा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एक ही साल में मिल गया। ये कारनामा करने वाली वो एकमात्र पहली फिल्म अभिनेत्री बनी। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म वीरजारा भी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। साल 2005 में रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म में ब्लैक और बंटी बबली आई। दोनों की फिल्में कामयाब रही। फिल्म ब्लैक में अंधी बहरी और गूंगी लड़की के किरदार को उन्होंने इतनी शिद्दत से जिया कि उसके लिए उन्हें उस साल फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक अवार्ड से नवाजा गया। अगले साल 2006 में रानी की फिल्म कभी अलविदा ना कहना रिलीज हुई। इस फिल्म ने देश के साथ विदेशों में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। अगले कुछ सालों में रानी अभिनीत फिल्म तारा रमपम, हैया, दिल बोले हड़ेपा और लागा चुनरी में दाग जैसी फिल्में रिलीज हुई लेकिन कोई भी फिल्म बड़ा कमाल नहीं कर पाई। इसी समय यानी साल 2011 में रानी की फिल्म नो वन किल जैसिका रिलीज हुई। रियल बेस्ड इस थ्रिलर मूवी में रानी का एक नया अवतार देखने को मिला। हड़े टेलीविजन रिपोर्टर के निभाए उनके किरदार को एक बार फिर से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद रानी फिल्मों में थोड़ा कम नजर आने लगी। इसलिए साल 2012 में उनके फिल्म तलाश और साल 2013 में फिल्म बॉम्बे टॉकीज ही रिलीज हुई।
गाने जब फिल्में कर रही थी तो उनका नाम अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ जोड़ा गया। रानी मुखर्जी और अभिषेक का अफेयर फिल्म युवा से शुरू हुआ, जब दोनों मणि रत्नम की फिल्म युवा कर रहे थे। तब दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री निजी जिंदगी में भी खूब रंग लाई और बात शादी तक पहुंच गई। इस रिश्ते से घर में किसी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब रानी और जया बच्चन फिल्म लागा चुनरी में दाग में एक साथ काम कर रहे थे, तब फिल्म के शूटिंग के दौरान जया और रानी में किसी बात को लेकर तनाव पैदा हो गया और यह तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और दोनों ने फिल्म की शूटिंग समाप्त होने तक एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी। शूटिंग के दौरान अभिषेक और रानी का रिश्ता भी डगमगा गया। कहा जाता है जब रानी मुखर्जी के माता पिता ने दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बात की, तब जया ने रानी को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जो रानी के माता पिता को काफी नागवार गुजरी। इससे नाराज रानी ने एक इंटरव्यू के दौरान इनडायरेक्टली जया पर अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद जया ने अभिषेक को रानी से दूर रहने की सलाह दी और अभिषेक भी आज्ञाकारी पुत्र बनकर रानी से दूर हो गए। इस मामले में अमिताभ बच्चन तमशीन बनकर रहे, लेकिन रानी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए 21 अप्रैल 2014 को निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा के साथ पेरिस में चुपचाप शादी कर ली और दोनों को 9 दिसंबर 2015 में एक बेटी भी हुई जिसका नाम आदिरा है। शादी के बाद कुछ समय फिल्मों से दूर रहने के बाद उन्होंने एक बार फिर से फिल्म दुनिया में अपना कमबैक किया और वो फिल्म थी मर्दानी। इसके बाद आई फिल्म हिचकी और मर्दानी 2 में उनका अभिनय सशक्त और एक नया रूप लोगों के सामने आया और इस तरह हमेशा की तरह दर्शकों ने दिल से उन्हें अपनी रानी सा ही प्यार दिया।